अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धरती टीवी में भलीकार मां या मंजर अजीज सबका पेरा शामिल करना थी हिन वक्त जो हेडलाइन। पीटीआई जे लॉन्ग मार्च में शमूलियत लेंदड़ कारकुनन के पुलिस मुख्तलिफ हंधन ते रोके वरतो। पीटीआई जे लॉन्ग मार्च के रोकण लाइ इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में नंढन वडन शहरन जा दाखली और बाहर वञण वारा रोड रस्ता सील। रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल जो समूरन जिलन सा राबतो कटजी वयो। इस्लामाबाद दामीदड़ रोड रस्ता अब रुकावटू और रंडकू बिहारे बंद किया व्या। मोटरवे ते 2, 3 और 4 ते कंटेनर लगी व्या। जीटी रोड और दरिया जेलम और चनाब वारा रस्ता बंद। इंतजामिया बस अड्डा भी बंद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कराए छी। सिंधु दरिया से पंजाब और केपी के मिलाईदड़ पुल से गड्ड़ पीटीआई कारकुनन के चिर विचर कर लें। शेलिंग पुल से रंडकू वधाई वयू। फैजाबाद पुल से पुलिस की पीटीआई कारकुनन के छिड़ विछर कर लें शेलिंग। मरी रोड से कारकुनन जो पुलिस की गाड़ियों से पथराव। इस्लामाबाद में डी चौक और रेड जोन वारे इलाकों जो कंट्रोल संभाल लें रेंजर्स और एफसी जा दस्ता पहुंचल। कारकुन फैजाबाद में छिड़ विछर थी आयल एटा रवाना। लाहौर जो बती चौक जंग जो मैदान बनी वो। पीटीआई कारकुनन और पुलिस बीच में झड़पू और चक्रियों। डॉक्टर यासमीन राशिद की गाड़ी जा शीशा भजी पिया। पुलिस यासमीन राशिद और अदलीब अब्बास के गिरफ्तार कर बाद आजाद कर छो। कारकुनन जो पुलिस से पथराव। एवाने अदल बहराब पुलिस और कारकुनन में दंगल। पंजाब और केपी के मिलाईदड़ अटक पुल टेप शेलिंग। सियालकोट के वजीराबाद रोड से कारकुनन से पुलिस पारा गोड़ा आनीदड़ गैस जा शेल फायर। केतरा ही कारकुन गिरफ्तार। डॉक्टर फिरदौस अचकवार के देरे ते छापो। कंटेनर रखी रोड बिलास जेहलम और सरगोदा में कारकुनन और पुलिस में चक्रियों। गुजरावाला में गिरफ्तार कारकुनन जो अंग 193 थी वो। पहुंच रहा है टी चौक इस्लामाबाद। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। जो भी आप करेंगे हम इंशाल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद टी चौक पे पहुंचेंगे। सारे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं कि आज आपने निकलना। हमारी खुवातीन ने, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे नौजवानों ने, वकलों ने, हमारे रिटायर्ड फौजियों ने, सबने निकल इस मुल्क को आजाद करने के लिए। कंटेनर के सवार इमरान खान जो लॉन्ग मार्च काफिलो पंजाब की हदन में दाखिल। इस्लामाबाद दा रवा दवा समूरू रंडकू पार करे इस्लामाबाद पहुंचने जो ऐलान। चयाई ही पाकिस्तान की तारीख के फैसलाइती घड़ी आए। हकीकी आजादी वठी रहंदासी। डील जो कहीं साम सवाल पैदा न तो थे। समूरू रंडकू टोड़े डी चौक पहुंचासी। असेंबली टोड़न और चूंडन की तारीख जो ऐलान थियन ताई इस्लामाबाद में धरने में न उठो।
कराची की नुमाइश चौरंगी से पीटीआई कारकुन वैन के बाहि रही साड़े छो कारकुन पुलिस अहलकार पथराव कर भजाए छो बीहर पौतल पुलिस अहलकार की शेलिंग हवाई फायरिंग चक्रियों इलाको जंग जो मैदान बनी वो सदे शहर में कल 144 की भनगड़ी कर 170 मू गिरफ्तार मथन केस दाखिल हैदराबाद सखर सागर समेत मुख्तलिफ शहर में केतरा ही पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के H9 G9 विच में जलसे की जाए देने जो हुक्म दे छो अदालत श्रीनगर हाईवे ते रैली की भी इजाजत दे छी संगीन इल्जाम न होजन ते गिरफ्तार पीटीआई कारकुन की आजादी जो हुक्म गिरफ्तार कल वकीलन के बिना देर आजाद करण जो हुक्म अदालत घरन ऑफिसों ते छापा हणन का रोके छो सुप्रीम कोर्ट मुल्क में ट्रांसपोर्ट खोलन की हिदायत करे छी तहरीक इंसाफ हुकूमती कमेटी के गालिन की हिदायत अदालत हुक्मनामे में चवाए तो JUI के जलसे लाए जेको ग्राउंड फराहम किया वो हो वो ई पीटीआई के दिनों वने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ऑफिस में गालियों क्यों वजन इरादा है कि जैम कर दे ये मुल्क मुल्क दुश्मन एजेंडा है इस आदमी का ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है ये KP के गवर्नमेंट जो है एक वफाकी इकाई जो है वफाक के ऊपर हमला कर रही है। कि हम तो इनके साथ मुजाकरात करने के हक में नहीं है और खासतौर पर मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो वो कमेटी जो है वो बना दी गई है। लोगों ने तो इनके फितना फसाद मार्च के ऊपर लंग भेज दी है टोटल नाकाम हो चुका है टोटल फेलियर हो चुका है अब सिर्फ रह गया फितना फसाद। अगर इसके कहने पर आप इलेक्शन को रहेंगे तो फिर भी ये फितना कहेगा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। कभी ये कहा कि जी आप न्यूट्रल ही रह सकते न्यूट्रल तो जानवर होता है फिर उसके बाद उनका नाम लेके कि जी आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल ही रहे ये सारा मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही बात कर। अगर हमें ये पता होता सिर्फ KP के से जो है ये 5-7 हजार आदमी आएगा हम कतन ये इंतजाम बिल्कुल न करते। कानून की अमलदारी ले अदालत जो हुक्म कदी 100% अमल किया हुकूमत PTI की टीम वेही गालू कदी ही गैर कानूनी गैर आइनी मार्च है लॉन्ग मार्च के नाले ते फितनू फसाद मार्च कर पे वे ही कौम के विरायण चाहन था इमरान खान कौम के गुमराह करण चाहे थो घरू वजीर राणा सनावला चवाए तो KP मां मार्च में शामिल मानू हथियारबंद आहिन PTI कारकुनन पान के पान मुरादो गिरफ्तार करायो जेकरे PTI में थोड़ो भी शर्म आहे तो खेन मार्च रोके छड़न घुर्जे लॉन्ग मार्च जो हिस्सो न बनजन ते हू अवाम जा थोरायता ही। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज चवायत इमरान खान के अज अवाम रद्द कर छो सनस आवाज से अवाम रस्तन ते न आयो कुर्सी खातिर मुल्क के बाहे देन चाहे थो इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा मां मायूसी के मुंह देणो पयो हू एक जिंदा लाश का सवाए कुछ ना है। सुध समावारी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब चवायत इमरान खान अज बीहर खूनी जथो सान करे वफाक से हमलो करण लाए अची रो है जिद्दी मगरूर शख्स के अवाम रद्द कर चुको इमरान खान 2014 में भी कंटेनर से चढ़ी गाड़ी डींदो हो अज अवाम डिठो तो एहतजाज की आड़ में अहलकार मथा हमलो पे वो फितने फसाद लाए अज भी सागे शख्स कंटेनर से बीठल है पाकिस्तान की सियासत का लश्करकशी जो खात्मो अची चुको है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चवाए तो PTI हुकूमत बारूदी सुरंगू छड़ू मईशत की बेहतरी महंगाई से जब्तों आने लिए डी रात मेहनत घुर्बल है मुल्क में आइनी तरीके से हुकूमत तब्दील थी है गार गंद की सियासत के खत्म कर वे अगूणे घरू वजीर शेख रशीद अहमद चवाए तो कौम इमरान खान की क्यादत में निकती है ईंदड़ 3-5 दिन में अहम फैसला थी रहा लीगी अगवान कदें सऊदी में पनाह वठन था तो कदें बीमारी जो बहानो बनाए लंदन भजी वेंदा फौज के घट वध गालण वाला इक्तदार लै पेरन में किरी पवंदा
एक न्यूक्लियर मुल्क के नाअहल जरिए तबाह कर पे वे अजीम फौज आई अदलिया की जिम्मेवारी है तो उनके बचाए। इलेक्शन कमीशन पीटीआई जी डी सेट कैल पंजाब असेंबली के वी मेंबर के तकन से जमनी चूंडन जो शेड्यूल जारी कर छोड़ो। 17 जुलाई से पोलिंग थी, 4 का 7 जून ताई नामजदगी जमा कराए सकबा, 11 जून से नामजदगी कागजन की जांच पड़ताल थी। सदर आरिफ अलवी पार्लियामेंट जो गडल इजलास सुभाने 4 वगे तलब कर वरतो। सदर पारा पार्लियामेंट जो गडल इजलास आइन जे आर्टिकल 54 तहत तलब कयो वियो। परदे वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जी डेविस में ऑस्ट्रेलिया जे परदे वजीर एलेक्जेंडर शेलविंग सा मुलाकात। बिन्हीं अगवाणन विच में बतरफन लागापन समेत गडल दिलचस्पी वारन मामलन ते ख्यालन जी डेवट। बिलावल भुट्टो जरदारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत लै नेदरलैंड में मौजूद। सिंध के बैराजन में पानी की मजमू खोट 38 सैकड़ों तक पहुंची वही। गुड्डू बैराज में 64.2, सखर बैराज में 10.5 आई कोटड़ी बैराज वट 61.6 सैकड़ों खोट बरकरार। पानी की खोट खिलाफ मुख्तलिफ शहर में आबादगार सरापा एहतजाज बनल। एहतजाजी मुजाहरा धरना पानी की फराहमी जो मुतालबो। वफाकी वजीर खुर्शीद अहमद शाह सिंध में वधिक पानी की खोट जो खर्चो जाहिर कर छोड़ो। संदस चवना है इन वक्त पानी की खोट 45-47 सैकड़ों है। माहौलियाती तब्दीली सबब दुखियाँ वही रो हैं। गुड्डू वे हंध बिन डी में पानी वहकड़ो घटि जर के पानी की सतह भी घटी रही है। सोलर ट्यूबवेल जो लाभायतो है ओतरो ही खतरनाक है। भारतीय अदालत वायरल कश्मीर की आजादी पसंद अगवान यासीन मलिक के दहशतगर्दी के केस में उम्र कैद की सजा बुधा छी। वजीर आजम शहबाज शरीफ परदे वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी पारा भारतीय अदालती फैसले की सख्त मुजम्मत। बिलावल भुट्टो जरदारी चवाए तो इंसानी हकन वाली तंजीमू यासीन मलिक से संगीन बेइंसाफी रोकन ले भारत से दबाव विझन। हथ ठोके इल्जाम तहत यासीन मलिक के सजा बुधाई वही। पाकिस्तान सजा की मुजम्मत करे तो DGISPR चवा है तो कश्मीरन की जिदोजहद भारत की गैर कानूनी घेराव खिलाफ है। एड़न जाबरानन हथकंडन सा कश्मीरन के जज्बे के घट नथो करे सके। हू कश्मीरन के हक खुदारियत लै साणन गद है। दरादा शरीफ में निरान भाजाई के झेड़े दौरान फायरिंग औरत कतुल मकतूलन जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले। वारसन मूजिब घर में औरतुन जो पान में झेड़ो थी पयो फायर लगन सबब ध्यानी कतुल थी पई। देवरानी बरसा गोठ असदुल्ला मरी में पीरसन औरत जो घर मां लाश हथ। पुट पारा बेवा माओ के तशद्दुद करे कतुल करण जो शक जाहिर। पुलिस लाश तहवील वठी अस्पताल मुंतकिल करे छड्यो। खैरपुर में गैस्ट्रो से जाब्तो न अची सको। 24 कलाक दौरान 32 मर्ज में वकोड़ी वाया। इलाके वासन जो चवण है तो गैस्ट्रो सबब अस्पताल में बिस्तर की खोट थी वही है जै सबब एक बिस्तर से बिन का टिन बार इलाज कर। मेहर भरसा जहरीली लसी वापराने सबब एक घर जा 12 भाती बेहोश। ताल के अस्पताल में तकड़ी तबी इमदाद बाद लाड़काने मुंतकिल। बेहोश थेलन में औरतू बार आई मर्द शामिल।